और राज करने वाले हमारे चंपूसर जी, गणेश कुमार जी, करमचंद सर जी के लिए बहुत जोर जोर तालियां। दोस्तों आज ये मीटिंग बहुत सफल रहा, प्लान रहा और हम लोग आज जो वीडियो भी बन रहा है, वीडियो हमारे यूट्यूब में भी जाएगा। सभी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है जिसको डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी ने इनको उत्पन्न किया और बनाया है। एक ऐसा सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा डिजाइन किया हुआ है जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग न छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना हम उसको अनुमान कर सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। जिस तरह हम लोग भगवान को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उस तरह से सिस्टम है। हम लोग छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, उस सिस्टम को हम लीड कर रहे हैं। एक अद्भुत भव्य सिस्टम जिसको हम लोग लीड कर रहे हैं। कौन? जो आदित्य है, आप यहाँ बैठे जो भी व्यक्ति है, जो भी जो देख रहा है, वो आदमी जो पार्लियामेंट इंटरनेशनल को लीड कर रहा है, वो एक अद्भुत अद्भुत और बहुत ही होनहार व्यक्ति है जो लीड कर रहा है, क्योंकि लोहे को लोहे काटता है। ये सिस्टम अद्भुत है जिसको छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, उस सिस्टम को लीड कर रहा कौन आदमी? जो आदमी अद्भुत है वही आदमी इसको लीड कर सकता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आज पीछे मत हटना, पार्लियामेंट छोड़ के पीछे मत मतना। एक छोटी स्टोरी, एक बाप एक बेटी नदी क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करते वक्त नदी में बहाव ज्यादा था, बहाव ज्यादा होने के कारण बेटी ने बाप का हाथ तस्कर पकड़ लिया, बेटी ने बाप का हाथ तस्कर पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब बीच मधार पूछने के बाद अचानक बेटी चिल्लाती है, पापा क्या हो गया, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बेटी बोल रही है अपना पापा से कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बाप ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तूने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, बात एक है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। नहीं पापा, बेटी बोलती है, नहीं पापा, बहाव तेज हो जाएगा तो हो सकता है मेरा हाथ छूट जाएगा, लेकिन अगर आप पकड़ लेंगे तो बहाव जितना भी तेज होगा आप कभी नहीं छोड़िएगा। दिल गार्डन गार्डन हो गया, बाप ने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ा और नदी पार करा दिया। तो दोस्तों आदमी कहना चाहूंगा, जिस आदमी को सीखना है, समझना है, देखना है सिस्टम को, तो लीडर का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर लीडर को हाथ पकड़ेंगे तो आपका नैया पार हो जाएगी। और सिस्टम विश्वास का सिस्टम है, विश्वास के लिए सिस्टम आपको बहुत बहुत ऊंचा स्तर लेकर जाएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हम लोग आज जो कर रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, हम जाते हैं सिस्टम तो बोलता है कि 2250 कैसे देगा, नहीं देगा, बहुत तरह को सलाह उठते रहते हैं। तो दोस्तों इस जैसा भारत दुनिया देश है, ईसा मसीह को, इसी भारत देश में ईसा मसीह को कील ठोक दिया गया, हाथ को ठोक दिया गया, पैर को कील ठोक दिया गया। क्या तेरिश था, क्या गुनागार था, क्या गंदा आदमी था ईसा मसीह? लेकिन यही भारत का आदमी जो वो भी चर्च जाता था, वो भी मंदिर जाता था, वही आदमी ने अच्छे आदमी ने अच्छे आदमी को मारता है। भारत ऐसा जगह है, सुकरात को जहर पिला दिया गया, मीरा को जहर पिला दिया गया, अच्छा अच्छा आदमी को। तो हम लोग किसी को बताने जाते हैं तो क्या हम लोग को छोड़ देंगे? हम लोग को तो खिलेंगे ना, चमकाएंगे जरूर, क्योंकि जिस चीज को आप बताने जा रहे हैं, ऐसा काम शुरू किए हैं हम लोग, ऐसा काम करने के लिए बताने शुरू कर दिए हैं कि किसी का ईगो हट कर रहे हैं हम लोग, उसका ईगो के जगा रहे हैं हम लोग, ईगो हट कर रहे हैं उसको, हम लोग उसको ये बता रहे हैं कि 5 साल में करोड़पति बन जाइएगा। उस व्यक्ति को बताने जा रहे हैं जो 30 साल 50 साल के बाद करते करते अपना जिंदगी को सेट किया, कितना, 1 लाख पर, और उसको 5 साल में बताइएगा कि 5 करोड़पति बनिएगा तो आदमी को छोड़ देगा? जो आदमी 30 साल से लीड करके अपने जीवन को 1 लाख 2 लाख के सेट किया है और उसको 5 साल में बताइएगा कि 32 लाख में मिलेगा, तो क्या छोड़ देगा आपको? नहीं छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? लेकिन तुम पीछे मत हटना, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि आपको बहुत सारे नेगेटिव मिलते रहेंगे, लेकिन आप सदा सदा काम करिए, ऊपर वाले का ध्यान दीजिए। कभी भी प्रार्थना करने जाइए किसी को तो मंदिर की तरह जाइए। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम लोग कुछ न कुछ मांगते हैं भगवान से, चाहे दो भी मांगने मन से, पर वो अच्छा रखिए, ख्याल रखिए। उसी तरह से
जो चीज वहां मांगते हैं आप किसी को नाम करते, बस ऊपर वाले को नाम लीजिए, हे प्रभु मैं आप प्रांत करने जा रहा हूं, आपके दरबार में जा रहा हूं, क्योंकि हरेक कण में आपस से हूं, हरेक कण में आपस से हूं, बस वहां पर जा रहा हूं, मेरा काम सफल हो। अगर एक व्यक्ति आता आपके ग्यारह सौ पच्चीस में बनता है, एक दिन का खुरा के हस्ताक्षर हो जाता है आपके घर परिवार का, तो मंदिर नहीं आप यहाँ से मिले, तो जब भी प्रांत करने जाइए तो मंदिर की तरह जाइए, अपने आप क्षेत्र पर जाइए, स्टाइल से जाइए, एटीट्यूड के साथ जाइए, हिम्मत से विश्वास के साथ जाइए, लेकिन जाइए ईमानदारी के साथ जाइए। कहते हैं कि कर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था, कर्म पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था, मुश्किल घड़ी कैसी हो फिर भी निकलेगा रास्ता। दोस्तों सिस्टम विश्वसनीय है अविश्वसनीय है, इसको विश्वास पर किया जा सकता है, देखा देखा कर नहीं किया जा सकता है, समझ में आता तो सिस्टम आएगा। कहते दिल में हौसला रखिए, दिल में आग रखिए, ना दिमाग में स्थिरता, दिल में आग रखिए, दिमाग में स्थिरता और सब्र में संयम रखिए, सब्र में संयम रखिए, तब निकलेगा रास्ता। घबराने से कोई रास्ता नहीं बनता, नहीं अगर पहाड़ को भी काटना पड़ता तो उसको संयम रखो। तो दशरथ मांझी जब उसकी पत्नी गिर गई पहाड़ से, सिर्फ उसका घर का खान ले जाने के चक्कर में, तो गिरने के बाद मरने के बाद उसको एहसास हुआ कि अगर पहाड़ है तो अब मेरा पत्नी मरी, कल कोई और मर जाएगा, आज मैं इस पहाड़ को शपथ ग्रहण किया और उस पहाड़ को काटना चालू किया। आज जो पहाड़ काटते 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 बुढ़ा हो गया, लेकिन पहाड़ का बीच से रास्ता निकाल दिया दशरथ भागीरथ ने, दशरथ मांझी रास्ता निकाल दिया और सफल हुआ। आदमी जब प्रयास करता है तो सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सिस्टम आपका एकदम बहुत बेहतरीन सिस्टम है, सब मिलकर उस सिस्टम में काम करिए और सिस्टम को एकदम विश्वास के साथ करिए। इसीलिए लीडर होना बहुत जरूरी है। हाथी किसी को नहीं काटता लेकिन मच्छर सबको काटता है, तो 2250 छोटा रकम नहीं है, ये मच्छर है, ऐसा मच्छर है कि जिसको 2250 काट लेगा उस व्यक्ति को 20 चाहिए जाना है, कितना का 12,28,80,00,000 का 20 चाहिएगा उसको, तो बर्दाश्त किसको होगा। जब सांप काटता है तो बर्दाश्त नहीं होता तो मर जाता है, इतना पैसा कौन बर्दाश्त करेगा। तो हैंग तो होता है, माइंड हैंग होता है, इसलिए उससे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हमको उस पर काबू करना है। ओके थैंक यू, वेलकम।